हेलो बच्चों गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर छ कबाड़ी वाली द जंक सेलर पढ़ रहे हैं अभी तक आपने किरण के बारे में जाना आपने जाना कि किरण की पटना में कबाड़ी की दुकान है किरण छोटे कबाड़ी वालों से या उन कबाड़ी वालों से जो लोगों के घर घर में जाकर कबाड़ खरीदते हैं उनसे कबाड़ खरीदती है तथा उसे बड़ी दुकान पर बेच देती है आज भी किरण ने कुछ कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदा है जिसके लिए उसने मूल्य सूची पहले से निर्धारित की हुई है चलिए बच्चों देखते हैं किरण ने मूल्य सूची में किस वस्तु का क्या मूल्य रखा है किरण ने मूल्य सूची या रेट लिस्ट में लिखा है बेकार कागज चार रुपए प्रति किलोग्राम अखबार पांच रुपए प्रति किलोग्राम लोहा बारह रुपए प्रति किलोग्राम पीतल एक सौ सत्तर रुपए प्रति किलोग्राम तथा प्लास्टिक दस रुपए प्रति किलोग्राम चलिए बच्चों देखते हैं किरण ने कितना कबाड़ तथा कौन कौन सा कबाड़ खरीदा है और उसके बदले कबाड़ी वालों को कितने रुपए दिए हैं किरण ने इकतीस किलोग्राम अखबार खरीदा है हमें ज्ञात करना है कि किरण 31 किलोग्राम अखबार के कितने रुपए देगी किरण की मूल्य सूची में हम देख सकते हैं कि एक किलोग्राम अखबार की कीमत पांच रुपए है किलोग्राम अखबार की कीमत बराबर पांच रुपए किरण ने 31 किलोग्राम अखबार खरीदा है इसलिए हम लिखेंगे 31 किलोग्राम अखबार की कीमत बराबर इकतीस गुणा पांच रुपए इकतीस को पांच से गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगे एक सौ पचपन रुपए इसलिए हम कहेंगे कि इकतीस किलोग्राम अखबार के किरण एक सौ पचपन रुपए देगी बच्चों जरा सोचो यदि किरण ने बयालीस किलोग्राम अखबार खरीदा होता तो वह उसके कितने रुपए देती हमें मालूम है कि किरण एक किलोग्राम अखबार के देती है पांच रुपए यानी एक किलोग्राम अखबार की कीमत बराबर पांच रुपए तो बयालीस किलोग्राम अखबार की कीमत होगी बयालीस गुणा पांच रुपए बयालीस को पांच से गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगे दो सौ दस रुपए इसका मतलब है कि किरण बयालीस किलोग्राम अखबार के दो सौ दस रुपए देगी इसी तरह के कुछ प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर चौसठ पर पूछे गए हैं जिनमें कहा गया है कि नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो हमसे पूछा गया है कि 22 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत क्या होगी किरण द्वारा तय मूल्य सूची में एक किलोग्राम प्लास्टिक, किलो प्लास्टिक की कीमत दस लिखी गई है इसलिए हम लिखेंगे एक किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत बराबर दस बाईस किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत बराबर बाईस गुणा दस रुपए बाईस को दस से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा दो सौ बीस इसलिए बाईस किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत होगी दो सौ बीस इसी तरह से हमसे तेईस किलोग्राम बेकार कागज की कीमत पूछी गई है एक किलोग्राम बेकार कागज की कीमत है चार रुपए इसलिए तेईस किलोग्राम बेकार कागज की कीमत होगी तेईस गुना चार जो कि बराबर होगी बानवे रुपए इसका अर्थ है कि तेईस किलोग्राम बेकार कागज की कीमत बानवे रुपए होगी इसके बाद हमसे पूछा गया है कि बारह किलोग्राम लोहे की कीमत क्या होगी मूल्य सूची देखकर हम कहेंगे कि एक किलोग्राम लोहे की कीमत बराबर बारह रुपए तो 12 किलोग्राम लोहे की कीमत होगी 12 गुणा बारह, बारह रुपए बारह को 12 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगे 144, जिसका अर्थ है कि 12 किलोग्राम लोहे की कीमत 144 रुपए होगी इस तरह से हमने किरण के द्वारा खरीदे गए सारे कबाड़ की कीमत पता कर ली बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि किरण ने इन सभी वस्तुओं के या इन सभी कबाड़ की कितनी कीमत दी होगी क्या वह ₹600 सौ से अधिक होगी या ₹600 सौ से कम होगी अंदाजा लगाइए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए